अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताएंगे अदाकारा इकरा अजीज़ और यासर हुसैन अलीज़े सुल्तान पर होने वाले तशद्दुद के बारे में बोल पड़े हैं। जब से अलीज़े ने तशद्दुद की तस्वीरें शेयर की हैं उसके बाद से हर अदाकार फिरोज़ खान के ख़िलाफ़ बहुत ही गलत बातें कह रहा है। कोई इनको जानवर, कोई दरिंदा और कोई वहशी इनको कह रहा है। तो ऐसे में अदाकार यासर हुसैन ने भी एक पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बीवी और बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर मैं अपनी बीवी पर हाथ उठाऊँगा तो 90% कल को मेरा बेटा भी अपनी बीवी पर हाथ उठाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिरोज़ खान जिस तरह के ड्रामे करते हैं, वो कोई भी ड्रामा उठाकर देख लें उसमें इसी तरह का ये डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं और लाउडली बात करते हैं। तो इकरा अजीज़ इसी वजह से काफ़ी अरसे से चुप थी। जहाँ सारी अदाकारें बात कर रही थी तो इकरा अजीज़ इस मामले पर बिल्कुल खामोश थी। यही वजह थी, इनका एक प्रोजेक्ट आ रहा था जिसकी आधी शूटिंग इन्होंने कम्प्लीट कर ली, आधी रहती थी। तो इकरा अजीज़ ने उस प्रोजेक्ट पर काम करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, अपनी लाइफ का बड़ा डिसीजन ले रही हूँ लेकिन मुझे यही सही और मुनासिब लगता है। अब मैं कभी आपको स्क्रीन पर फिरोज़ खान के साथ नज़र नहीं आऊँगी। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जब से यासर हुसैन की ये पोस्ट सामने आई है, यासर हुसैन ने सबके दिल जीत लिए हैं इस तरह की बातें करके। तो मदाहों को ये पोस्ट बेहद पसंद आई है और उनका ये डिसीजन अदाकारा इकरा अजीज़ का बहुत ही मदाहों को अच्छा लगा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रही थी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।